तेरे बाजो दिल दिया मेर मवे, तेरे बाजो वो दिल दिया मेर मवे, सड़ जूना केड़े चजदा तेरे बाजो। मैं माफी मंगा मैनू माफ न कर दी, जद भी रोका हथ बन के खड़ दी। मैनू लबे ना तरीका कोई मनो निदा। वाले दो भाइयों की जोड़ी है, छोटो तो ढोल बजावे और बड्डो है जो गाना गावे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शक ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दूं बादरा हूँ अपन नोहर को ऊपर जावा तो गांव आवा पहला परलिका, परलिका गांव से पहला बीच सड़क जो हाईवे है बटे टिब्बा वगैरह है। तो मैं अठू निकल ला रही हूँ अभी, तो टिब्बा वगैरह पर इन्हें मैं चालन लागू सड़क को, तो मेरे कान के अंदर ढोलकी और ढोल के सागे सागे कुछ एक शख्स की आवाज़ निकली, तो आवाज़ सुनी मैंने तो अठे मौके पर पहुँच गया मैं। और अठे एक शख्स बैठे हैं दो ढोल के सागे सागे गानों भी गावा लाग रहे हैं, तो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लागी है, बड़ी अद्भुत लागी एक तरीके वहाँ पाइया केस कहाँ। इतनी रात ने बैठ के टिब्बा के बीच के अंदर इतनी रात ने बैठ के गाना गाना को मतलब क्यों हो। तो सारी की सारी चीज़ है जाना से वीडियो जो आज की बड़ी शानदार होने रही, वीडियो लास्ट तक जरूर देखियो, वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। के नाम है भाई जी थारो? के नाम है ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, ऋषि कुमार जी बीच टिब्बा में वो भी रात ने 9:30 बजे बैठ के गाना गा रहे, क्या के कारण? बस जी थोड़ा बहुत शौक है सिंगिंग को। अच्छा सिंगिंग को शौक, कितना टाइम हो सिंगिंग कर रहे? या 2017 में करने लग रहा हूं जी। 2017 में कर रहे हो लगातार? हां। अच्छा कौन सिखाए कौन? फिर भी बीच-बीच में ना मतलब छोड़ दी, इतना भी लगातार कौन करने लग रहे हो जी? बीच में लगातार कौन? कोई ऑडिशन वगैरह कुछ दियो? कुछ ऑडिशन वगैरह कुछ भी कौन दियो? कुछ भी कौन दियो। तो मतलब सिंगिंग सिखाई करना था? बस खुद ही करे सीख ली, बस शौक को बचपन में। अच्छा अच्छा, तो टिब्बा कन बैठ के रात ने बैठक गाना गाना की मतलब वो बस दो मिनट टे पांच के लिए मतलब गाना लगा सागर रियाज हो जाए ना? हां रियाज हो जाए साथ में, सागर रियाज वगैरह हो जाए। हां भाई है कि तेरा छोटा? हां यो भाई है छोटा। के नाम बेटा? अक्षय। तो ए थर सागर ढोल बजावे? हां। और थे गानों गाओ है? हां हां। अच्छा अच्छा अच्छा, 2017 से लगातार, यानी कि 3 भी हो गए 4 ही हो गए, टोटल साल हो गया थाने, 7 साल हो गया गाना गाता ने, तो आवाज वगैरह ठीक है? मतलब ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत भी थोड़ी दिक्कत आ जाए बीच में। क्या दिक्कत आ जाए? मतलब आवाज़ के बीच में दिक्कत आ जाए, मतलब इतनो भी लगातार भी कौन करो, बीच में ना छोड़ दिया ना रिवाज खत्म हो जाए ना इंसान को, फिर वो बटू गा कौन सके, इसलिए फिर बंद कर दियो बीच में। अभी स्टार्टिंग दोबारा शुरू करिए, मतलब सिंगर कुछ बनने के लिए मतलब कि थोड़ा बहुत दिल में मेहनत करनी पड़ेगी भाई। बिल्कुल, मैंने रात ने कुछ बनना खतर, तो लोग टिब्बा पर के मतलब हिमालय पर चढ़ जाए, हिमालय पर चढ़ जाए बैठे हैं टिब्बा पर। ऋषि कुमार जी कोई सुना दे कोई गाना वगैरह, फिर कोई हिंदी गाना वगैरह जो थे अभी गावा लग रहे हिंदी गाना। ठीक है जी वो देला वो समान बंदे आपे आए मेरी जानिदा, समान बंदे आपे आए मेरी जानिदा, मैनू छड़ के जोनाए मेरे जानिदा, मैनू छड़ के जोनाए मेरे जानिदा, समान बंदे आपे आए मेरी जानिदा, मैनू छड़ के जोनाए मेरे जानिदा, मैनू छड़ के खड़दी। मैनू लबे ना तरीका कोई मनो निदा, मैनू लबे ना तरीका कोई मनो निदा, मैनू छड़ के जोना है मेजा। सो गानो पंजाबी गानो? नहीं पंजाबी कोनी जी भी है कि मतलब कि हॉलीवुड में ही है। अच्छा बॉलीवुड, किसी फिल्म को गानो? फिल्म को कोनी है, मतलब कि कोई सिंगर है। अच्छा सिंगर है। तो मतलब इतनी बारीकियों थे गानो गायो, और मतलब यहां देख के तो यहां लगा थारी रियाज वगैरह पूरी कंप्लीट कर रेडी है? नहीं जी इतनी भी कंप्लीट कौन कर रेडी, बस थोड़ा बहुत मतलब कि कभी-कभार कर लेता। तो थारो छोटो भाई है? हां हां। तो थारी मदद करावा थाने गाना सिखाने के अंदर? हां हां। अच्छा तो देख पालो दो भाइयों की जोड़ी है, छोटो तो ढोल बजावे और बड्डो है जो गाना गावे, और उम्मीद करा ये मेहनत इतनी करा लाग रहा है रात ने टिब्बा में बैठ के कदे खटे बैठ
बैठ के कदे खड़े बैठ के रियाज भी कर ला रहा। और उम्मीद करा आंगी मंजिल, आंगी जो मंजिल न है आने जल्दी है जो आंगी मंजिल मिल जावे, तो कोई मंजिल तक के बढ़ना चाहोगे? देखो जी बस ज़्यादा कुछ कौन बहुत बड़ो भैया कि नाम मुझे सिंगिंग में बढ़िया तरीका हूँ, लोग माने जान लग जाए। सिंगिंग ही करना? हाँ सिंगिंग करना चाहूँ। मेरो मतलब कि लाइफ को सपन है सिंगर बनना। सिंगर बन? हाँ। पंजाबी की हिंदी? नहीं हिंदी में, जिवें कि जुबिन नौटियाल हो गया, अरिजीत सिंह हो गया। जुबिन नौटियाल और अरिजीत सिंह? हाँ। कोई अरिजीत सिंह को सुना दे कोई गानों को? तो अरिजीत सिंह को गानों सुना सी आपने? सुनाओ कोई गानों है ना कोई, कोई सुना दे कोई। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। सरगम सी कौन सी? अच्छा तेरे बाद जो दिल दिया मेरे मन हो, तेरे बाजो दिल दिया मेरे मबे, तेरे बाजो वो दिल दिया मेरे मबे, साढ़ा जूना केड़े चजदा हो, तेरे बाजो वो दिल दिया मेरे मबे, तेरे बाजो सन रजा सा सा सन रजा सा सा सन रजा सा सा सिर नहीं नहीं सानी रे साधा नहीं सागरे सागम कर सा, तेरे बाजो दिल दिया मेरे मबे, तेरे बाजो दिल दिया मेरे मबे, साढ़े जूना केड़े चजदा तेरे बाजो। रावा तक तक थक गईया मैं, रावा तक तक थक गईया मैं, कलिया रे रे अक गईया मैं, कलिया रे रे अक गईया मैं, एक एक पल नू मैं गिन के गुजार दी, एक एक पल नू मैं गिन के गुजार दी, आज परदेसिया ओ वास्ते प्यारी दा, आज तेनू अखियां डीक दियां ओ छेती आज सजना, तेनू अखियां डीक दियां। तो जिया कि देख पावला रहे हो थे कितना सुंदर सुंदर गाना ये गाया है, और जो संगीत प्रेमी है भाई बता पाओगा, क्योंकि मेरा खतर तो काला अक्षर भैंस बराबर है, क्योंकि मन ने कोई संगीत से ही तो ज़्यादा लगाव कोई या संगीत समझ पाना, सुन जरूर लेवा लेकिन सुर और साज को भी कुछ मन ज़्यादा कोई अंदाज है ज़्यादा है कोई नहीं, ढोल के सागे सागे साउंड बजाए और सागे सागे गानों गए तो भी साबू देख के ये लागे कि वाकई के अंदर ये आपकी रियाज है, अब बहुत कड़ी मेहनत है अब कर लग रहे हो घर का, तो मतलब ये पूरी सपोर्ट कर लग रहे थे गाना गुना गाने पूरी? नहीं नहीं ठीक ठीक करने लग रहे जी, हारमोनियम ले आके दिए घर का। अच्छा हारमोनियम ले आके दिए? हाँ। कद ले आके दिए? ओ काफी तीन चार महीना हो गया। अच्छा हारमोनियम ले आके? हाँ। तो हारमोनियम बैठ के रियाज करो? हाँ। अच्छा कितना सदस्य हो घर में थे? घर में सात है जी। सात सदस्य? हाँ। शादी होड़ी थारी? शादी को नहीं होड़ी? शादी को नहीं होड़ी ठीक है। कितना बहन भाई हो? मैं पांच बहन भाई। पांच बहन भाई, दो थारे मम्मी और पापा, हाँ, सात जना। सात जना। तो बाकी भी कोई सिंगिंग करेगा थे अकेला ही? नहीं जी पहले मैं ही करता हूँ, बाकी और पहले जो मेरे दादाजी है वे करता है। अच्छा वे सिंगिंग करता है। अच्छा तो ढोल वगैरह खड़े सीखे हो बजाना? मेरे पापा ने सिखाया मेरे को। तो ढोल बजानो पापा सिखायो? अच्छा बड़ो सुंदर ढोल बजाओ भी थे, तो ब्याह शादी में बजाते हो भंगड़ा भुंगड़ा? हाँ जी ब्याह शादी में पूरे ऐसे पार्टी करके जाते हैं यहाँ से। खाना कदे पहला कदे मंच मिले हो? नहीं पहले बहुत बार मैं गायो, मतलब कि बहुत जना किया कि भाई अठे आ जा मतलब गायो में बंगा के पान बढ़िया लगे कि भाई मेरे खाना नंबर भी दिया अपना। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके मान जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन का बटन दबा दो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थर गाँव में आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इन नंबर पर थे माने फोन करो संपर्क करो, मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा, और आज की वीडियो के प्रति थारी के प्रतिक्रिया विचार थारा कमेंट में जरूर मेंशन करो। अंत तो मैंने दे इजाजत, जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।